ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। एक छोटे बच्ची की घटना मैंने उसी दिन पहले दिन सुनाई थी। एक मुंबई में एक छोटा सा बालक था। वो बालक मम्मी के साथ रहता था, उसके पापा जी नहीं थे, कोई बहने भी नहीं थे, भाई भी नहीं थे, केवल मम्मी थी, झोपड़पट्टी में रहती थी। मुंबई की घटना है। तो एक दिन वो बच्चा क्या करता है, मम्मी के साथ कई मम्मी जा रही थी मजदूरी का काम करने के लिए, साथ में जाता है बच्चे भी, लेकिन बच्चे ने देखा सामने गुब्बारे वाला गुब्बारे बेच रहा था। तो बच्चा क्या करता है, गुब्बारे लेने के लिए दौड़ा। जैसा वो बच्चा दौड़ा, माँ को लगा इसको कुछ हो ना जाए, तो बच्चे को पकड़ने के लिए दौड़ी। 4 लाइन थी, हाईवे था, तो जैसे माँ उसको पकड़ने के लिए दौड़ी, एक कार जोर से आई, उसके नीचे माँ खत्म हो गई। जब बच्चे ने पीछे मुड़कर देखा, मम्मी भी गई। ऊपर देख करके कहता है, भगवान आप कितने निर्दयी हैं। कहते मेरे पापा को तो पहले लेके गए, अभी मेरे मम्मी को भी लेके गए। तो भगवान के ऊपर दोष लगाता है, 4 दिन खाना भी नहीं खाया, बच्चा अंदर ही बैठा रहता है झोपड़ी में, मम्मी थोड़ी वापिस आने वाली है। आखिर वो बच्चा 4 दिन के बाद भूख लगी तो बाहर आया, तो किसी ने कहा बेटा अब तुम्हारा कोई नहीं है। पड़ोसी था उसका, चाय का दुकान था, कहता है तुम मेरे पास चाय का काम करने के लिए आओ, मैं तुम्हारा खाने का प्रबंध करूंगा। तो बच्चा रोज क्या करता है, उसके पास जाता है, लेकिन वो व्यक्ति हमेशा गुस्सा करता है। एक दिन उस बच्चे से चाय बेचते बेचते ग्लास टूट गया, इतना गुस्सा किया। तो बच्चा आकर के कहता है, भगवान मैं जहां भी जाता हूं मुझे हमेशा दुखी मिलता है। आखिर वो बच्चा एक दिन चाय के दुकान पर जा रहा था, किसी ने कहा तुम्हारी मम्मी की झोपड़ी दिया, तुम यहां से खाली कर, रहने का भी प्रॉब्लम। आखिर वो बच्चा शराबी बना, शादी की पत्नी भी आई, वो भी झगड़ा लो आई। आखिर वो बच्चा क्या करता है, एक चाय का खुद का दुकान चालू किया। जब वो बच्चा चाय बेच रहा था, तो इतने में क्या हो गया, एक 10-12 लोग आए, 10-12 लोग आए चाय पीने के लिए। तो चाय पीने के बाद वो तो उस बच्चे ने कहा हमारे चाय के पैसे दो। जैसे पैसे मांगे, वो 10-12 लोगों ने उसकी इतनी पिटाई की, बेहोश करके फेंक दिया, और उसका सामान भी बिखर करके चले गए। अगर उस बच्चे को रात को 10-11 बजे होश आया, देखा तो सामान भी बिखरा हुआ है, बहुत पिटाई की। ऊपर देख रहे कहता है, भगवान ये मेरे साथ क्या हो रहे हैं। आखिर उसको लगता है पत्नी तो सहयोग देगी, जाकर के पत्नी को सुनाया मेरे साथ ऐसा हुआ, पत्नी और ही झगड़ा करती है, कहते तुमने ऐसा क्या होगा, तुम ही ऐसे हो। आखिर वो बच्चा रात को सो रहा था, उसकी नजर ऊपर खिड़की से आकाश की तरफ गई, कहता है भगवान आप कितना मुझे दुख दिया है, मैं जहां भी जाता हूँ दुखी ही बनता रहता हूँ, आप कितने निर्दयी है। ऐसा करते करते वो सो गया। रात को 3:30-4 के बीच में खिड़की से आवाज आने लगा, बेटा उठो, बेटा उठो। तो उस बच्चे की नींद खुली, आप कौन है, कौन है। कहता मैं तुम्हारा पिताजी हूं। कहता मेरा पिताजी, वो तो पहले ही शरीर छोड़ा है, मर गए। कहता मैं तुम्हारे आत्मा का पिता परमात्मा हूं। कहते अच्छा भगवान मैं आपसे बात नहीं करूंगा, आप मुझे कितना दुख दिया। फिर आवाज आता है, बेटा ये मैंने कुछ नहीं दिया है, ये सब तुम्हारे कर्मों का परिणाम है, चलो मैं तुम्हारा पिछला जन्म दिखाता हूं। तो उस बच्चे का हाथ पकड़ करके भगवान ने क्या किया, एक महल के पास लेके गए। तो बच्चा कहता है, भगवान आप मुझे पिछला जन्म दिखाने वाले थे, ये महल के पास का लाया, ठहरो मैं दिखाता हूं। कुछ कैदियों को सिपाही क्या कर रहे थे, चाबुक से मार रहे थे। तो बच्चा कहता है, भगवान इनको क्यों मार रहे हैं। तो भगवान ने कहा, इनके राजा ने इनको मारने के लिए ऑर्डर किए हैं। तो बच्चा कहता है, इनको राजा को कोई दया मया नहीं आती। तो भगवान ने कहा, राजा तो ऐसा ही है। जैसे आगे, लेकिन भगवान ने कहा, ये कैदी को नहीं पता है, जी चाय वालों ने तुमको मारा था, चाय पीने के लिए आए थे लोग, उन्हीं का पिछला जन्म है,
फीका था मारना चाहिए, बड़े खराब थे। जैसे आगे गए, राजा बैठा था, मंत्री बैठे थे, मदिरा पी रहे थे। एक बच्चे से ग्लास मंगवाया था मदिरा पीने के लिए। तो उसी समय उस बच्चे से गलती से क्या हो गया, ग्लास टूट गया और बच्चा थोड़ा देरी से आया। राजा उस बच्चे को इतना डांटना शुरू किया, तो बच्चा वो देख रहा था भगवान के साथ जो आया था, कहता भगवान इसको क्यों डांट रहे हैं। कहता राजा का स्वभाव ही ऐसा है। लेकिन भगवान ने कहा ये बच्चा कौन है पता है, जी चाय वाले ने तुमको डांटा था उसका पिछला जन्म है। फिर कहता डांटना चाहिए, बड़ा खराब था। जैसे आगे गए, लेकिन भगवान ने कहा ये बच्चा कौन है पता है, जी चाय वाले ने तुमको डांटा था उसका पिछला जन्म है। फिर कहता डांटना चाहिए। तो जैसे आगे गए, एक व्यक्ति बैठा था जिसके हाथ में बेड़िया थी, कपड़े फटे हुए थे, हड्डी हड्डी दिखाई पड़ रही थी, खाना सामने पड़ा था। तो भगवान ने कहा, बच्चा कहता है भगवान ये कौन है। कहा कि राजा का बड़ा भाई है। कहता राजा का बड़ा भाई, इसके साथ ऐसी अवस्था। भगवान ने कहा ये राजा बनने वाला था बड़ा होने के नाते, लेकिन बनाई उसको खुर्ची की चक्कर के कारण, खुर्ची के कारण उसने खुद राजा बना और इसको देशद्रोही साबित किया है और जनता के उसको अंडरग्राउंड में रख दे, जनता को पता भी नहीं वो कहाँ गया उसका भाई। लेकिन भगवान ने कहा ये कौन है पता है, तुम्हारे पत्नी का पिछला जन्म है। इसका मतलब राजा कौन था, वही जो बच्चा था जिसके जीवन में इतना दुख आए, वो पिछले जन्म में कौन था, राजा था। राजा बनकर के उसने कैदियों को मारने के लिए ऑर्डर की, वही कैदी क्या बन के आए, चाय पीने के बहाने आए और अपना बदला लिया। उसने उस बच्चे को क्या किया था, चाय का ग्लास टूटा इसीलिए डांटा, वही बच्चा अगले जन्म में चाय वाला बना और उसको डांटा। राजा क्या बना था उस समय, गरीब बच्चा बना था और उसको डांटा, अपना बदला लिया। और उसने अपने भाई के साथ ऐसा किया, वही भाई पत्नी के रूप में आया और हमेशा झगड़ा करता रहा। इतना ही नहीं, भगवान ने कहा तुमने राजा बनकर के अनेक झोपड़ी को आग लगाई थी, अनेक बच्चों को मरवाया था, इसीलिए तुम्हारे कोई भाई बहने नहीं है, रहने के लिए जो मकान नहीं है। इतना ही नहीं, तुमने राजा बनकर के अनेक गलत काम किए थे, इसीलिए दुख है। तो उस बच्चे के जीवन में जो दुख आए, तो दुख क्या भगवान ने दिया, उसने जो पिछले जन्म में कर्म किए उसका फल उसके जीवन में दुख। तो ये क्यों सुना रहे, आज हमारे जीवन में छोटी छोटी बीमारी आती है, प्रॉब्लम आते हैं, क्यों आते हैं, ये हमारे ही पिछले जन्मों के कर्म। इसीलिए लोगों से नहीं डरो, भगवान से भी नहीं डरो, किसे डरो, गलत कर्म करने से जरूर डरना है, क्योंकि किसी के गलत कर्म बनते हैं उसमें भगवान भी उसको कभी सहयोग नहीं देगा। कर्मों के हिसाब में भगवान भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता, भगवान उसको ज्ञान देगा। एक बार कर्मों में आ गया, उसकी प्रारब्ध में भगवान भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता। इसलिए कर्म गति पर ध्यान देने की जरूरत है और वर्तमान समय संगम युग, श्रेष्ठ कर्मों को बोने का समय चल रहा है। जैसा जब बरसात का मौसम है और खेती वाला आराम से सोता रहेगा तो पूरा साल क्या खाएगा, इसी तरह ये संगम युग है श्रेष्ठ कर्म करने का युग। और जो संगम युग में जो बोएंगे, जो कर्म करेंगे, पूरा कल्प में वो खाने का चांस मिलेगा। और कोई कर्म में कर्म करते हैं उसका फल नहीं मिलता, लेकिन संगम का फल पूरा 84 जन्म तक मिलता है। इसलिए अब हमें श्रीमद के अलावा कोई भी गलत काम नहीं करना है, इसलिए कर्म गति को याद रखना जरूरी है। कर्मों से शरीर बनता है, कर्मों से संबंधी मिलते हैं, सब कुछ कर्मों से होता है। इसीलिए एक भजन है ना, किसके झोले में काटे हैं तो किसके झोले में फूल, कोई कारण होगा रे, कोई कारण होगा
बांटने वाला कोई कारण होगा, कोई लूला है, कोई लंगड़ा है, कोई आंधा है, क्यों कर्म।